तंदूरी रोटी वाला चिकन। एक गांव में चंदू नाम का तंदूरी रोटी तैयार करने वाला व्यापारी हुआ करता था। वो तंदूरी रोटी के साथ चिकन करी बनाकर बेचता था। वो जहां व्यापार करता था उसके आगे जगदीप नाम का एक दांत चिकित्सक हुआ करता था। वो प्रैक्टिस शुरू करके 2 साल पूरे हो भी गए लेकिन उसके पास एक भी पेशेंट नहीं आया। जगदीप अपने पास पेशेंट्स को कैसे लाना है ये गंभीरता से सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। जगदीप तुरंत अपने क्लिनिक के सामने मौजूद चंदू के पास गया। क्या चंदू, व्यापार कैसे चल रहा है? बस भगवान की कृपा है, अच्छा ही चल रहा है डॉक्टर जी। खाना पहनने के तो पैसे निकल जाते हैं। ये लीजिए आपका तंदूरी रोटी चिकन करी। जगदीप रोटी चिकन करी खाते हुए, चंदू तुम्हारा चिकन करी बहुत स्वादिष्ट है लेकिन ये रोटी ही थोड़ा घट सा है। हाँ डॉक्टर जी, मेरे पास आए कुछ लोगों ने मुझे वो बात बताई थी लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर जी, मैं जितना भी प्रयत्न करूं रोटी को नरम नहीं बना पा रहा हूँ। हम दोनों को लाभ मिले ऐसा अद्भुत आइडिया मेरे पास है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो हम दोनों को खूब सारे पैसे मिलेंगे। चंदू आज से वो क्या है सर? तुम इन रोटी को नरम बनाने के बदले और ज्यादा घट कर दो। ये रोटी जैसी भी हो चिकन करी के लिए आने वाले लोग कैसे भी आते रहेंगे। तुमसे रोटी खाने वाले लोगों के दांत निकलेंगे और मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। पेशेंट से जो पैसे मैं वसूल करूंगा उसमें से 50% हिस्सा तुम्हें दूंगा। तेर? तुम पूरे महीने को मेहनत से काम करते हो तो जो लाभ मिलता है वो एक पेशेंट का कमीशन के बराबर है। मेरे पास रोज 2 पेशेंट भी आए तो काफी है, हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहते हो? चंदू मन में कुछ देर पैसों का हिसाब करते हुए, जरूर आप जैसे कहते हो वैसे करूंगा डॉक्टर। अगले दिन चंदू के पास तंदूरी रोटी चिकन करी खाने आए लोगों में से 4 लोगों के दांत निकल गए और वे सब भागते हुए सामने जगदीप के पास गए। एक हफ्ते के बाद मिले हुए पैसों में से 50% हिस्सा लेकर, देखा मुझसे हाथ मिलाए तो कितना लाभ हुआ, एक हफ्ते में ही 50,000। ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्द बहुत धनवान बन जाओगे। चंदू बहुत खुश हुआ। जगदीप के जाते ही ये सब देख रही चंदू की पत्नी बबीता, ओ जी ये सब आपने जानबूझ कर किया? चंदू बबीता को उत्साह से पैसे दिखाते हुए, मेरी पत्नी देखा एक हफ्ते में 50,000 लाभ मिला। हम कितने दिन मेहनत करते हैं तब जाकर ये 50,000 बचते हैं। बताओ देखते जाओ, बहुत जल्द तुम्हारे पूरा शरीर को सोने से भर दूंगा। देखिए जी, हम जो व्यापार करते हैं वो माँ के बराबर होता है और वो भी हम खाने से संबंधित व्यापार करते हैं। लोग इतने भरोसे के साथ हमारे पास खाने के लिए आते हैं, वो सबको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना सही बात नहीं है जी। क्या सही है क्या गलत है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपना काम देख लो। बबीता कुछ नहीं कर सकी और सर पकड़ ली। कुछ दिन ऐसे ही बीते, जगदीप का व्यापार अच्छे से बढ़ा, चंदू को मिल रहे पैसे भी बढ़ने लगे। चंदू पैसे देखते हुए बहुत खुश हुआ। एक दिन अचानक गांव से चंदू के माता पिता आए। वे दोनों चंदू का व्यापार कैसे चल रहा है देखने के लिए चंदू के तंदूर के पास गए। वे दोनों को वहां देखते ही चंदू दंग रह गया। क्यों बेटा चंदू, तुम्हारा तंदूरी रोटी चिकन करी का स्वाद हमें भी तो दिखाओ। पिताजी क्यों कुछ कह ही रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों हिचकिचा रहे हो? कहकर वो खुद ही 2 प्लेट में रोटी लेकर उसमें चिकन करी डालकर एक अपनी पत्नी को दिया, एक खुद खाया। दोनों मिलकर रोटी खाए, बस दोनों के 2 दांत निकलकर बाहर आए।
चंदू जल्दी जल्दी में उन दोनों के इलाज के लिए आगे मौजूद डॉक्टर जगदीप के पास नहीं लेकर गया, उल्टा पड़ोसी गांव के डॉक्टर के पास लेकर इलाज करवाया, फिर घर लेकर आया। ये सब क्या है बेटा, क्या चल रहा है? उनसे पूछोगे तो वो थोड़ी ना बताएंगे जी, मैं बताती हूँ, सुनिए। कहते हुए जगदीप के बारे में और उन दोनों के इस समझौते के बारे में सब बताई। क्यों रे, ये सब सच है क्या? चंदू सर झुकाकर, मुझे माफ करिए पिताजी, जल्दी पैसे कमाने की इच्छा से मैंने ऐसा काम किया, अब फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चंदू जगदीप के पास जाकर अब तक जो भी जगदीप के द्वारा पैसे कमाए उन्हें वापस लौटा दिया। डॉक्टर जी, आपके साथ हाथ मिलाकर जो मेरे पास इतने भरोसे के साथ खाने आते हैं उन्हें तकलीफ पहुंचाना कितनी गलत बात है, मैं अब समझ गया हूं, मैं आज ही गांव छोड़कर जा रहा हूं। चंदू अपने पत्नी के साथ मिलकर गोपाल वालों के गांव चले गया। गोपाल चंदू को नरम रोटियां कैसे बनाते हैं वो सिखाया। नए गांव में चंदू का बनाया तंदूरी रोटी, चिकन करी सबको खूब पसंद आने से चंदू का व्यापार अच्छे से बढ़ा। सब खुशी से जीने लगे।